कोरोना वायरस काल में पिछले दो वर्षों से 32 बटालियन में सालाना किट परेड की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का समापन हुआ वैसे ही वापस से 32 बटालियन कमांडेंट सविता सोहाने के निर्देश पर सप्ताह में दो बार मंगलवार और शुक्रवार को हेडक्वार्टर्स QRF STF ट्रेनिंग कंपनी के लगभग 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में परेड की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 32 बटालियन कमांडेंट सविता सोहाने ग्राउंड पर पहुंची और सलामी ली। इसके साथ ही सभी कंपनियों के पुलिस कर्मचारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जिस पुलिस कर्मियों की ड्रेस और अन्य प्रकार की गतिविधि सही पाई गई उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। 32 बटालियन कमांडेंट सविता सोहाने अपने सभी कर्मचारियों के आवास पर पहुंची और उनकी समस्याएं सुनी और समस्या का तुरंत समाधान भी किया, साथ ही दरबार का आयोजन भी किया जिसमें पुलिस कर्मियों ने अपनी समस्याएं रखी और सुझाव भी दिए। 32 बटालियन में मौजूद वाहन निरीक्षण किया गया, वाहन चालक से विशेष चर्चा कर इसके अलावा आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों में रह रहे परिवारों के बीच 32 बटालियन कमांडेंट सविता सोहाने पहुंची और समस्याएं जानी। नहीं, परेड का उद्देश्य अनुशासन और इनकी सबकी फिजिकल फिटनेस को बनाए रखना है और परेड तो हमेशा ही होती है, ये तो पुलिस विभाग का सब मतलब मूल जड़ है कहना चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ समय तक ये रुक गई थी। पर हमारी वाहिनी में प्रशिक्षण तो की जो कंपनियां उनका तो चलता रहा है लगातार। बस 28 अक्टूबर से हम लोग ने इसको रेगुलर शुरू किया है और अब तो पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार भी ये नवंबर 1st वीक से स्टार्ट हो गई है पूरे मध्य प्रदेश में। और क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस कम होता है ना, इस वजह से इस पर थोड़ा रोक लगी थी उस समय, लेकिन योगा वगैरह तो हम लोग लगातार करा रहे थे इनकी फिटनेस को देखते हुए और दौड़ वगैरह भी करा रहे थे। अब ये रेगुलर जैसे नियम से होती है हर फ्राइडे और ट्यूजडे को वो की जा रही है लगातार।